यहाँ पे अभी मैं साइकिल से गिरा हूँ, एक हल्का सा एक्सीडेंट हो गया है और अकेले जा रहे ना ठीक भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का इस नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम पुलाव उबिन में हैं और इस ब्लॉग का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर ज़रूर देखें। आगे चलने से पहले अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों बने रहिए लास्ट तक, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कितम माउंटेन बाइक पार्क और देखते हैं वहाँ पर क्या हमें देखने को नया मिलता है। सो बने लास्ट तक और मिलते हैं वहीं पर। सो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं माउंटेन बाइक पार्क में और ये यहाँ का व्यू, नीचे समुद्र है शायद तालाब टाइप का है और यहाँ पे इसको लांग के जाना अलाउड नहीं है जैसे आप साइन बोर्ड देख सकते होंगे। फ्रेंड अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लें अपना राय, ताकि हम अच्छे से इंटरेक्ट करें आपस में ऑडियंस के साथ। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग बना सकूं आपके लिए। सो फ्रेंड यहां पर यह है मैप, और कहीं भी जाने से पहले मैप रीडिंग बहुत ज़रूरी है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैप रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप नई जगह पर हैं तो। सो चलिए। और भाई यहाँ पर अभी मैं साइकिल से गिरा हूँ, एक हल्का सा एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पर, तो जब भी चलाना हो रफ्तार थोड़ी कम रखना, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ से खून आ रहा है। अभी हम जाएंगे कहीं पानी मिलेगा तो धोने के लिए हाथ को, और फिर फर्स्ट एड करने की कोशिश करेंगे। सो केयरफुल। ये रफी भाई बहुत थक गया इधर, इसकी एनर्जी बैटरी लो। यहाँ पर ये वाटर पॉइंट है, यहाँ पे पानी पीते हैं, और मेरा दोस्त बहुत थक चुका है टेकिंग रेस्ट। इसको थोड़ा आराम कराने के बाद चलेंगे हम आगे वापस, एकदम ही जैसे दो दिन से सोया ना हो खाया पिया ना हो ऐसे हो गई इसकी हालत। अभी इसको लगता है उठा के लेके जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में भी दर्द ज़्यादा होने लग गया है। अभी चलेंगे हम ये जहाँ पर दुकान मिलेगी दवाई की, तो उसके बाद इलाज करूँगा अपने हाथ का। हर एक कुत्ते के पीछे यहाँ पे हल्के होने का सामान। फ्रेंड ये यहाँ पे वॉशरूम है विलेज स्टाइल का, जैसा आप देख सकते हैं हम एक आइलैंड पे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा सुविधा नहीं है, और यहाँ पर ये बंदर और कुत्ते का लुका छुपी खेल जो है आप देख सकते हैं। कुत्ता भी बहुत जोश में और बंदर भी बहुत चालाकी से पेड़ से उसको चिढ़ा रहा है शायद। बहुत मज़ा आ रहा है इनको देख के। फ्रेंड हम यहाँ पे 2.5 घंटे की साइकिलिंग करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये भाई बहुत थक गया है, तीन तीन इसने तीन व्हाट ड्रिंक यू ड्रिंक 100+ 300+ बोतल ड्रिंक करने के बाद थोड़ा एनर्जी आई है भाई साहब पे, थोड़ा हिलने डुलने लगे हैं अभी, नहीं तो एकदम ही सो गए थे। अभी देख सकते हैं इनका फेस बहुत टायरिंग है। तो अभी आगे चलते हैं हम और देखते हैं और कितनी साइकिलिंग बाकी है। लेट्स गो। और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं अपनी साइकिल पार्क करके स्टेशन पे। भाई बहुत थक चुके हैं, इनके शरीर में शुगर की बहुत कमी है, इसलिए मैं इनके लिए 2 कोक लाया हूँ, ताकि 2 कोक पिए और ये फिर से रिकवर हो जाएं। काफ़ी थक गए हैं भाई साहब, भाई साहब। और बड़े भाई को गर्मी भी बहुत लग रही है, बोलते बहुत गर्म है। वैसे आज मौसम काफ़ी ठीक है, होपफुली जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम चलेंगे घर जल्दी से जल्दी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आज फिशिंग के लिए आए हैं, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। समुद्र में फिश पकड़ रहे हैं यहाँ पर सारे लोग। अभी सी लेवल भी थोड़ा ऊपर आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर लोग बोटिंग भी करते हैं, देखिए टीम आ रही है पूरी इनकी बोटिंग के लिए। पूरा घर ही बना रखा है समुद्र के बीच में बोट वालों ने।
सो फ्रेंड अभी मेरा दोस्त बहुत थक गया है, उसको मैंने कहा कि वहीं पर रेस्ट करेगा और मैं यहाँ पे दूसरी साइड में आया हूँ। देखिए पूरा जंगल ही जंगल है, कोई भी नहीं है इधर। सो हम आगे चलेंगे और अकेले ज़्यादा रहना ठीक भी नहीं लग रहा है मेरे को यहाँ पर। सो हम आगे चलेंगे जल्दी से और नई साइड पर क्या क्या देखने को मिलता हमें, सो वहीं मिलेंगे हम। और दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ये लगभग आखिरी पॉइंट है शायद। एक घंटे का टाइम लगा मुझे जहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड को छोड़ा था इधर आने के लिए। सो इसके बाद वापस जाऊँगा, काफ़ी थक चुका हूँ और एनर्जी भी पूरी ख़त्म हो चुकी है, आप देख ही सकते होंगे शायद चेहरे से। और ये लास्ट पॉइंट शायद है, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ, देखिए। और यहाँ पे कुछ बना भी रहे हैं शायद, ये कुछ नया प्रोजेक्ट होगा शायद, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट है मामम कैंप साइट, इसके बाद मैं देखते हैं थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पे क्या क्या है और फिर उसके बाद हम वापस चलेंगे। अभी एनर्जी भी ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी थक भी गए हैं इस बार में, काफ़ी लंबा रूट था ये। मेरा दोस्त तो वहीं अभी रेस्ट कर रहा है और मैं आगे आया हूँ। एक घंटा लगभग वहाँ से यहाँ साइकिलिंग करने में लगा मेरे को ये व्यू, ये सीन देखने के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बन रहा होगा, देखिए। ये देखिए पानी एकदम नीचे यहाँ तक, पर यहाँ पे कुछ बन रहा है शायद, या फिर गेट है ये। वहाँ पे एक झोपड़ी भी दिख रही है मेरे को थोड़ा दूर। और ये दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है, जैसे देख सकते हैं लोग भी वापस जा रहे हैं यहाँ से। अभी टाइम भी हो गया और मुझे सिंगापुर वापस जाने के लिए जेटी भी पकड़नी है, जो कि यहाँ से लगभग एक घंटा साइकिलिंग करने के बाद मैं जेटी स्टेशन पहुँचूँगा। तो अभी शाम भी ढलने वाली है और जल्दी वापस जाना ही पड़ेगा। सो मिलते हैं फ्रेंड बाद में आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे लास्ट स्टेशन है शायद, इसके आगे रोड भी नहीं है। अब मैं वापस चलूँगा यहाँ से, काफ़ी दूर है लगभग जाना और एनर्जी भी ख़त्म हो चुकी है। सो मिलता हूँ आपको जेटी स्टेशन पे। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वापस अकेले इस जंगल के रास्ते से और काफ़ी सुंदर नज़ारा है जैसे आप देख सकते होंगे। ऐसी जगह पे ग्रुप में आना बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग और फन होगा काफ़ी दोस्तों के साथ ग्रुप में आए तो। और मेरा दोस्त वहीं पर और मैं अकेले इस रास्ते पे चल रहा हूँ अभी, अगर वो भी साथ में होता तो मज़ा ही कुछ और था, लेकिन क्या करें बेचारा का, उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी इसलिए मैं उसको वहीं पर छोड़ के आया हूँ। अगर आपको कभी मौका मिले तो अपने ग्रुप में आइएगा दोस्तों के साथ और देखिए एक या दो साइकिलिस्ट यहाँ पर और आते हुए। वैसे तो पूरा ये रास्ता मेरे को सुनसान ही लग रहा था, कोई मिला नहीं मेरे को, ये पहले ये दो ही साइकिल्स मिले हैं अभी। और चलते हैं फिर आगे, देखते हैं कितना दूर है अभी। और सो फ्रेंड अभी मैं वापस जा रहा हूँ और देखिए कितना शानदार नज़ारा है चारों तरफ। और 4:30 बज चुके हैं और 5 बजे तक मुझे पहुँचना है किसी भी हालत में। और अब चलेंगे हम जल्दी से जल्दी वापस जाने की कोशिश। अभी थोड़ा रेस्ट लिया है मैंने रास्ते में, थोड़ा थक गया हूँ और कभी साइकिल बहुत कम चलाता हूँ मैं, सो पैर में भी थोड़ा हल्का सा दर्द हो रहा था इसलिए थोड़ा रेस्ट किया है और अब चलते हैं वापस। सो आप देखिए थोड़ा सराउंडिंग एरिया कैसा है इधर, ये देखिए फ्रेंड बहुत ही मज़ेदार एरिया है। और इस जगह पर साइकिलिंग करने का तो मज़ा ही कुछ और है, अगर आप ग्रुप में हो तो बहुत ही मज़ा आएगा, लेकिन क्या करें मेरा साथी थोड़ा
थक गया था ज़्यादा, वो नहीं आया। और अभी मैं चलता हूँ वापस और मिलते हैं बाद में। सो फ्रेंड, अभी मैं आ चुका हूँ जेटी पे, फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ वापस। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जेटी है और यहाँ पे जाएंगे हम अभी, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो रखे हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और यहीं से हम जेटी पकड़ेंगे वापस जाने के लिए, जो दिख रहा है आपको सामने। सो चलिए वहीं जाके मिलते हैं फिर। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और आगे चलते हैं हम, आगे क्या क्या है यहाँ पर। ये पूरा समुद्री एरिया है यहाँ पर, लोग फोटो की फोटो खींच रहे हैं, जगह ही नहीं यहाँ पर चलने की। सॉरी, देखिए इतनी नज़दीक से समुद्र दिख रहा है यहाँ पर, और वेव्स भी काफ़ी ज़बरदस्त समुद्र है। अरे यहाँ पर जेटी है जहाँ से हम वापस पकड़ेंगे सिंगापुर के लिए बोट्स। अरे सारे लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं वीडियो लेते हुए, और अभी देख सकते हैं आप, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम वापस चलेंगे। तो अभी हम जेटी पकड़ने के लिए चलते हैं, और अभी हम जा रहे हैं वापस। हैव अ नाइस डे, लेट्स गो ब्रो। नाउ वी आर गोइंग बैक। मेबी फॉर यू टू ब्लॉगिंग, अनदर कैमरा इज ओरिजिनल। ओके, ओरिजिनल कैमरा। हाउ कम दिस वन लुक डिफरेंट देन मॉर्निंग? This time look very different than morning. Morning different, now different. Oh, if not, you can become a photographer like that from doing video. It's all right. Buddy, reach out. दोस्तों, हम अभी जा रहे हैं वापस सिंगापुर बोर्ड के रास्ते, और ये देखिए यहाँ पर समुद्र की लहरें बहुत तूफान मारती हुई, काफ़ी ज़बरदस्त है साइड देखिए। और हम पहुँचने वाले हैं वापस, 10 मिनट लगता है लगभग वहाँ से यहाँ आने, और यहाँ से वहाँ जाने। सो अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट स्टॉप पे। दोस्तों, अभी हम पुलाव उबिन की ट्रिप से वापस आ चुके हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो आगे भी लेके आते रहें। एंड प्लीज़ थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये आज का हमारा खाना यहाँ पर लास्ट में, राइस, फ्राइड चिकन और सांभर चटनी, और ये खा के आज भूख मिटाएंगे हम।